नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की पांच ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जगह है ही इतनी अजीब। फायर ईगल नेस्ट। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां आपको कुछ अजीब और डरावना महसूस हो, ये जगह साइबेरिया के जंगलों में मौजूद है, जिसे यहां के लोकल लोग शैतानों का घर मानते हैं। ये चीज यहां किसने और क्यों बनाई, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। जो भी इसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, या तो उसे चक्कर आने लगते हैं या उसका सिर दर्द करने लगता है। जोन ऑफ साइलेंस। ये एक ऐसी जगह है जहां बाहर की आवाज कभी नहीं पहुंच पाती, चाहे वो कोई रेडियो प्रोग्राम हो या फिर मोबाइल सिग्नल और वाईफाई। ये जगह 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके अंदर अगर आप चले जाते हो तो आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ना ही आप किसी को फोन लगा सकते और ना ही सहायता के लिए किसी को बुला सकते। कुछ लोग इसका कारण एलियंस मानते हैं। सनाय तिनपिस्का। अमेजोन के जंगलों की गहराई में एक गर्म पानी की नदी बहती है, जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। जो भी जिंदा चीज इसे छूती है वो अंडों के जैसे उबल जाती है। लोग मानते हैं कि शायद ये नदी किसी ज्वालामुखी के नीचे या फिर साइड से निकलती है, इसीलिए इसका पानी इतना गर्म है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके सबसे पास मौजूद वोल्केनो 700 मीटर दूर है। लेक वोस्टोक। माना जाता है कि अंटार्कटिका में जीवन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह है यहाँ पड़ने वाली तेज ठंड। लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ बर्फ के नीचे दबी एक ऐसी झील खोज निकाली, जिसका पानी हजारों सालों पुराना है, जिसमें करीब 3500 प्रजाति के बैक्टीरिया रहते हैं, जो बिना सूरज की रोशनी के पत्थरों में मौजूद खनिज पदार्थों की वजह से जिंदा रहते हैं। केटाटंबो लाइटिंग। वेनेजुएला में मौजूद इस नदी के पास एक ही समय पर बहुत सारी बिजलियां एक साथ गिरती है। ये घटना शाम को 7 बजे से शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि सूरज ना उगाए। एक साथ इतनी सारी बिजली को देखना काफी अजीब और शानदार लगता है। दोस्तों, क्या मुझे इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।